गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास थर्ड सब्जेक्ट मैथ की एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। ये एक्सरसाइज सिंपल 8 की एक्सरसाइज है और बहुत ही सिंपल सम है। इसके अंदर ये सम आपने लगभग सेकेंड क्लास में किए हैं। तो पहला ए पार्ट है इसका 3961 + 1। इसके अंदर हमने क्या है, ये 1 ऐड करना है। अगर आप ऊपर नीचे लिखकर ऐड करना है तो इस तरह भी कर सकते हो आप इसको। अगर सीधा ऐड करना है तो सीधा भी कर सकते हो। तो 1 और 1 2 6 9 3, 3962 इस तरह ऐड करना है पहला पार्ट है। इसी तरह आगे है 0 + 8071। अब ये जो जीरो दिया है इसको हमने 1 के अंदर ऐड करना है। किसमें ऐड करना है, जीरो को 1 में ऐड करेंगे, यानी इस नंबर के अंदर जीरो ऐड करेंगे तो सेम यही नंबर आएगी 871। इसी तरह इसका अगला पार्ट है 456 + 3794 456। ये देखो 456 इधर है, 456 दोनों साइड में है, तो यहां कौन सी नंबर रहेगी 3794। ये दोनों नंबर अगर इस साइड में लेके आनी है तो हम यहां 1 + 0 कर सकते हैं। अब ये देखो हमारे पास ये नंबर है 3961 + 1, सेम दूसरी साइड में ये नंबर लेकर जानी है तो +1 अगर ऐड करके लिखना है तो ये बनेगा। इससे नेक्स्ट है 3708 + फिल इन ब्लैंक्स 3708। तो सेम नंबर दूसरी साइड में आ जाए तो उसके अंदर हम क्या ऐड करेंगे, जीरो ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, जीरो ऐड करेंगे। ये पहला पार्ट है। नेक्स्ट ये ए पार्ट हो गया हमारा, बी पार्ट भी ऐड का है। इसके अंदर क्या करना है, देखो ऊपर हमें दिया है ओ टी एच टी एच। ओ से क्या होता है वंस, टी से टेंस, एच से 100, टी एच से 1000। तो देखो इसके अंदर हमें दिया 5234 और इसके नीचे लिखना है 1432। बिल्कुल ये सीध में होने चाहिए। वंस के नीचे वंस का डिजिट, टेंस के नीचे टेंस का डिजिट, 100 के नीचे 100 का डिजिट, 1000 के नीचे 1000 का डिजिट। अब आपने इनका ऐड करना है। 4 और 2 6 3 और 3 6, बिल्कुल सीट में ही इनका ऐड होना चाहिए। वंस की सीट में वंस का ऐड, टेंस की सीट में टेंस का ऐड, 100 की सीट में 100 का ऐड, ये भी 6, 5 और 1 ये भी 6। क्या नंबर बन गई ऐड करने पर, हमारा आंसर क्या बन गया 6666। जो बी पार्ट है उसके अंदर टोटल 12 सम है, उसमें से एक दो सम मैं और कर देता हूं। ये बी पार्ट का फर्स्ट था, बी पार्ट का 9th सम कर रहे हैं हम। इसमें क्या है, 3 नंबर्स दी हुई है, ऊपर उसी तरह आपने लिखना है टी एस 1000, एच 100, टी टेंस, ओ वंस। तो 7002, 1000 के नीचे 7,
टू टेंस और हंड्रेड के नीचे क्या आएगा, जीरो आएगा, ना इसके अंदर हंड्रेड का डिजिट है ना इसके अंदर टेंस की कोई नंबर है, तो यहां क्या लिखेंगे हमें जीरो लिखेंगे। फिर उसके नीचे है 1100 पूरा 100, उसके नीचे है 1056। अब आपने इनका ऐड करना है, 2 और 6 8 0 0 5 5 0 1 0 1 7 1 1 कितना हो गया 9, तो 9158। इसका एक पार्ट और देखो आप, 11 5, इसी तरह 1 10 100 1000 आपने लिखना है ऊपर, 5008 5008, उसके नीचे है 1250 1250, उसके नीचे है 3011 3011। अब आपने इनका ऐड करना है, 801 कितना हो गया 9, 051 कितना बन गया 6, 020 2 5 1 6 और 3 9, तो हमारी नंबर क्या बन गई 9000 के नीचे क्या है 9 9000, 100 के नीचे क्या है 2 206 और 9 से क्या बन गया 69 9269। ये इसका हमारा सेकंड पार्ट, सॉरी बी पार्ट। अब हम करेंगे इसका सी पार्ट। सी पार्ट में क्या है, नंबर्स दी हुई है कॉलम्स में नहीं दी हुई, हमने उनको कॉलम्स में लिखना है पहले और फिर आपने उनका ऐड करना है। सी इसी एक्सरसाइज का सी पार्ट, पहले नंबर लिखेंगे, जैसे पहली है 1382 कॉमा प्लस की निशानी लगी है इसमें 3316। अब आपने इनका ऐड करना है कॉलम्स में लिख करके, आपने इनका ऐड करना है कैसे, TH H T O से क्या बन गया 1s, T से 10s, H से 100, TH से 1000। अब 1000 के नीचे आएगा 1382 3316। अब इनका ऐड करना है, 2 और 6 कितने हुए 8 8 और 1 9, 3 और 3 6 1 और 3 4, क्या नंबर बन गई हमारे पास ऐड करने पर 4698। इसका एक पार्ट और कर देता हूं मैं, लास्ट वाले 2 देखो इसके, इसी का 9 ये पहला था, इसी का 9 सी पार्ट का 3726 प्लस 2152 प्लस 1011। इसी तरह कॉलम्स में लिखना है आपने इनको, ओ टी एच टी एच, टी एच के नीचे 3, एच के नीचे 7, टी के नीचे 2 6 2 1 5 2 1 0 1 1। अब आपने इनका ऐड करना है 6 2 8 1 9 2 5 7 और 1 8 7 और 1 8 3 2 5 और 1 6 6889। इसका एक पार्ट और देखो सी का,
सी का 10 4302 प्लस 3024 प्लस 2430। उसी तरह आपने क्या लिखना है, 1100 TX 1000। अब 1000 के नीचे 2430। अब हमने इनका ऐड करना है, 2 और 4 6 0 2 3 कितना बन गया, 5 3 0 4 कितना हो गया, 7 4 3 2 कितना हो गया, 9। ऐड करने पर क्या नंबर बनी हमारे पास, 9756। तो ये एक्सरसाइज है जो 3 पार्ट है इसके अंदर, ये तीनों पार्ट आपने करने हैं बुक के अंदर, जैसे वर्क दिया हुआ है उसी तरह आपने करने हैं। थर्ड पार्ट है जैसे ये इस तरह दिया हुआ है बुक के अंदर, और आपने नोटबुक पर इस तरह कॉलम्स बना करके करने हैं इनको, ठीक है। तो ये हमारी एक्सरसाइज है जो कंप्लीट है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।